गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं ब्रजनंदन सोनी हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन अपनी साइकेट्रिक नर्सिंग की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, ठीक है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनकी स्टडी अपन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, इंडियन क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो अपन किसके अकॉर्डिंग करेंगे इनकी स्टडी, इंडियन क्लासिफिकेशन, यानी जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं, उनकी जो अपन स्टडी करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जितने भी साइकेट्रिक के अंदर जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनकी जो स्टडी करेंगे वो इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर इंडियन क्लासिफिकेशन को भी अपन ने कितने पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट के अंदर क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, ठीक है। जिसके अंदर कौन कौन से होंगे, कौन कौन से डिसऑर्डर्स आएंगे, साइकोटिक, जैसे फर्स्ट इंडियन क्लासिफिकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट कौन सा है, साइकोटिक डिसऑर्डर, सेकंड न्यूरोटिक डिसऑर्डर और थर्ड था स्पेशल डिसऑर्डर, यानी इंडियन जो क्लासिफिकेशन है उसको 3 कैटेगरी के अंदर क्या कर रखा है, अपने डिवाइड कर रखा है, साइकोटिक डिसऑर्डर, न्यूरोटिक डिसऑर्डर और स्पेशल डिसऑर्डर, अदर डिसऑर्डर्स, ठीक है। जिसके अंदर जो साइकोटिक डिसऑर्डर है इसको फर्दर अपन ने क्या कर रखा है, 3 पार्ट के अंदर क्या कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है। 3 पार्ट के अंदर कौन कौन से हैं, फर्स्ट फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर, का टाइप्स हैं तो कौन से होंगे, फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर, सेकंड है ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर और थर्ड है मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर, यानी जो साइकोटिक डिसऑर्डर है उसको अपन ने कितने पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है, फर्दर 3 पार्ट के अंदर क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, जिसके अंदर फर्स्ट है फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर, सेकंड ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर और मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। जिसके अंदर फंक्शनल जो साइकोटिक डिसऑर्डर है इसके अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं, सिजोफ्रेनिया की अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अपने जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे या वीडियोस होंगे उनके अंदर अपन स्टडी करेंगे इसकी, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर, इसकी क्या विशेषता है, ये जो ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, डेमोस्ट्रेबल डिसऑर्डर्स होते हैं, डेमोस्ट्रेबल डिसऑर्डर, का मतलब क्या है, यानी जो ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, इनको अपन क्या कर सकते हैं, इजीली डायग्नोस कर सकते हैं कि ये जो डिसऑर्डर हुआ है वो कैसे हुआ है, यानी इसको इनको जितने भी ये जो ऑर्गेनिक, जैसे ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है, इनको अपन क्या कर सकते हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये डिसऑर्डर्स है वो कैसे हुआ है, ठीक है, या किस कैसे हुआ है डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी तो इसकी जो एक विशेषता है ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर की वो क्या है कि अपन इनके अंदर जितने भी डिसऑर्डर्स आएंगे वो सारे कैसे हैं, डेमोन्स्ट्रेबल है, ठीक है, जिनको अपन क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है, इंडियन क्लासिफिकेशन, ठीक है, इंडियन क्लासिफिकेशन कौन सा है, साइकोटिक डिसऑर्डर, इंडियन क्लासिफिकेशन के अंदर साइकोटिक डिसऑर्डर, न्यूरोटिक डिसऑर्डर और स्पेशल डिसऑर्डर। इसके अंदर साइकोटिक जो डिसऑर्डर्स है उसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है, फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर, मूड अफेक्टिव
मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, ठीक है, जिसके अंदर जो अपन पढ़ेंगे कौन सा, ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर की क्या विशेषता है कि ये सारे जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं, डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, किसको, जैसे ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, तो ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम तो डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं किसको, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं। तो अपन जो ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम ये तो हुआ क्लासिफिकेशन, यानी इसके अंदर क्या आएंगे, बहुत सारे डिसऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। तो अपन जो ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है उसको और किस नाम से जान सकते हैं, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। और अपन इसको किस नाम से जान सकते हैं, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम क्या होता है, कैसे बताएंगे अपन इसको, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम इज ए डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम इज ए डिसऑर्डर ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनालिटी एसोसिएटेड विथ ट्रांजिएंट एंड परमानेंट डैमेज ऑफ ब्रेन एंड सेरिब्रल फंक्शन इज नोन एज ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम या ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। क्या होता है ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, क्या होता है ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, इज ए डिसऑर्डर। ये क्या है, एक डिसऑर्डर है, ठीक है, किसका डिसऑर्डर है, बिहेवियर और पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर है, जो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू किसकी वजह से होता है विथ ट्रांजिएंट एंड परमानेंट डैमेज ऑफ ब्रेन। किसके अंदर, ट्रांजिएंट का मतलब क्या है, थोड़ा बहुत या फिर परमानेंट, किसके अंदर चेंजेस आ जाए, ब्रेन के अंदर क्या आ जाए, चेंजेस, या तो ट्रांजिएंट यानी थोड़ा बहुत क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, क्या, ब्रेन के अंदर अगर क्या हो जाए, ट्रांजिएंट मतलब थोड़ा बहुत क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, ठीक है, या फिर क्या हो जाए, परमानेंट क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, ब्रेन क्या हो जाए, परमानेंट डैमेज, ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं ट्रांजिएंट सेरिब्रल फंक्शन है वो क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, या फिर परमानेंट सेरिब्रल फंक्शन है वो क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, जिसकी वजह से, यानी इन दोनों की वजह से, या तो ब्रेन क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, या सेरिब्रल फंक्शन है वो क्या हो रहे हैं, पर्सन के, यानी किसी भी पर्सन के अगर थोड़े बहुत या परमानेंट ब्रेन क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, ट्रांजिएंट या परमानेंट ब्रेन डैमेज या सेरिब्रल फंक्शन है वो क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होंगे, जो पर्सन है, पर्सन के बिहेवियर के अंदर, ठीक है, पर्सनालिटी के अंदर क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा, ठीक है, उसके व्यवहार के अंदर, उस पर्सन के व्यवहार के अंदर, ठीक है, बिहेवियर के अंदर क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम बोलेंगे, ठीक है, यह हुआ इसके बारे में, यानी ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम किसे बोलेंगे, अगर किसी भी पर्सन के अंदर थोड़ा बहुत या परमानेंट अगर ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, ठीक है, ब्रेन के अंदर डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से पर्सन के बिहेवियर के अंदर क्या आ रहे हैं, चेंजेज आ रहे हैं, ठीक है, बिहेवियर है वो क्या, उसका व्यवहार है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम बोलेंगे, ठीक है। जो ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है, और मैंने आपको बताया जो ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है वो कैसा है, डेमोस्ट्रेबल डिसऑर्डर है। जो ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम
ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम इज डेमोस्ट्रेबल डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर है? जो ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है वो कैसा है? ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम वो कैसा है? डेमोस्ट्रेबल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ये तो हुआ इसके बारे में, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम क्या होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में कि ऑर्गेनिक जो मेंटल डिसऑर्डर है वो की डेफिनेशन या ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन किसकी? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। तो डेफिनेशन क्या होगी? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर इज ए डिसऑर्डर ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयर्ड या फिर बोल सकते हैं क्लाउडेड कॉन्सियसनेस एंड इम्पेयर्ड अटेंशन क्लाउडेड कॉन्सियसनेस कॉमा डिस्टर्ब थिंकिंग एंड डेफिसिट मेमोरी उसे क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर डेफिशिएंट। तो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर डेफिनेशन की अगर इसकी बात करें तो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर किसे बोलेंगे? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर इज ए डिसऑर्डर ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। ये किसके डिसऑर्डर हैं? बिहेवियर और पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर्स हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है पर्सन के अंदर, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है पर्सन के अंदर बिहेवियर और पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम किसे बोल रहे थे? यानी ब्रेन के अंदर क्या हो रहा था? डैमेज हो रहा था। ठीक है, ट्रांजिएंट या परमानेंट क्या हो रहा था? डैमेज, जिसकी वजह से क्या होगा, यानी बिहेवियर और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो करेक्टराइज्ड बाई क्लाउडेड कॉन्सियसनेस, यानी पर्सन का जो कॉन्सियसनेस है वो कैसा हो जाएगा? क्लाउडेड हो जाएगा। ठीक है, इम्पेयर्ड अटेंशन है वो कैसा हो जाएगा? इम्पेयर्ड हो जाएगा। किसकी वजह से? क्योंकि क्या हो रहा है, ट्रांजिएंट एंड परमानेंट क्या हो रहा है? डैमेज हो रहा है। किसके अंदर? ब्रेन के अंदर, या सेरिब्रल फंक्शन ना वो क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे? क्लाउडेड कॉन्सियसनेस, इम्पेयर्ड अटेंशन, ठीक है, डिस्टर्ब थिंकिंग है वो क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब, और मेमोरी है वो क्या हो जाएगी? डेफिसिट हो जाएगी। उस कंडीशन उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं ग्रुप के अंदर, क्या आ रहे हैं सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, यानी देखो मेमोरी इम्पेयर डेफिसिट हो रही है, ठीक है, इम्पेयर्ड अटेंशन इम्पेयर्ड हो रहा है, थिंकिंग डिस्टर्ब हो रही है, क्लाउडी कॉन्सियसनेस, यानी क्या आ रहे हैं, बहुत सारे क्या आ रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, यानी तो बहुत सारी जो सिम्टम्स आ रही है तो उसको ही अपन क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को क्या बोलेंगे? सिंड्रोम। ठीक है, ग्रुप ऑफ जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? सिंड्रोम। तो ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम अपन इनको बोल सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर भी इसको अपन बोल सकते हैं। किसको?
क्या आ रहे हैं, ग्रुप के अंदर क्या आ रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं यानी ब्रेन के अंदर क्या हो रही है, चेंजेस हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज, जैसे कौन सी अफेक्ट हो रहा है, अटेंशन अफेक्ट हो रहा है, डिस्टर्ब थिंकिंग है वो क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है, ठीक है, डिस्टर्ब हो रही है थिंकिंग, और डेफिसिट मेमोरी, मेमोरी भी क्या हो रही है, क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। तो जितनी भी ये जो ऑल मेंटल एक्टिविटी, यानी जितनी भी क्या हो रही है, ऑल जो मेंटल एक्टिविटी है, ऑल मेंटल एक्टिविटी, ये जो जितनी भी ऑल जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज़ है, ठीक है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, एक्टिविटी इज नोन एज कॉग्निटिव एक्टिविटी, कॉग्निटिव एक्टिविटी, ठीक है, कॉग्निटिव एक्टिविटी। और किस नाम से जानते हैं इनको, कॉग्निटिव एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो मेंटल एक्टिविटीज़ है यानी जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज़ है उनको अपन किस नाम से जानते हैं, कॉग्निटिव एक्टिविटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉग्निटिव एक्टिविटी के नाम से अगर इनको अपन जानते हैं तो इन तो एक और क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। और अपन इसको किस नाम से जान सकते हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक कॉग्निटिव डिसऑर्डर के नाम से है, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो किसे है? क्या हो रही है, कॉग्निटिव एक्टिविटी, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं, कॉग्निटिव एक्टिविटी बोल रहे हैं ब्रेन की। तो इसको अपन और किस नाम से जान सकते हैं, ऑर्गेनिक कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था मेंटल डेफिनेशन से पहले मैंने इसका इसके बारे में आपको बताया था ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम के बारे में। ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम के बारे में आपको मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम क्या होता है, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम इज ए डिसऑर्डर ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विथ ट्रांजिएंट एंड परमानेंट डैमेज ऑफ ब्रेन एंड सेरिब्रल फंक्शन, यानी सेरिब्रल फंक्शन इनके अंदर क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है, ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। तो अपन और इसको किस नाम से जान सकते हैं, इसको ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। और अपन ने देखा था इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपन ने इनको किसके अंदर डिवाइड करा था, साइकोटिक के अंदर, ठीक है। साइकोटिक के अंदर अपन ने क्या कर रखा था, तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा था साइकोटिक डिसऑर्डर्स को, साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल, न्यूरोटिक और स्पेसिफिक, जिसके अंदर साइकोटिक जो फंक्शनल, ऑर्गेनिक और मूड अफेक्टिव, जिसके अंदर कौन सा था, ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर था उसके अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। तो इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपन और इसको किस नाम से जान सकते हैं, ऑर्गेनिक साइकोसिस के नाम से भी अपन इसको जानते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है उसको अपन कौन कौन से नाम से जान सकते हैं, एक तो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर के नाम से जान सकते हैं, ऑर्गेनिक कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि कॉग्निटिव का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी जो ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ है, ब्रेन के एक्टिविटीज़ के अंदर क्या हो रहा है, जितनी भी ब्रेन की एक्टिविटीज़ है, ठीक है, उनको अपन किस नाम से जानते हैं, कॉग्निटिव एक्टिविटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कॉग्निटिव, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कॉग्निटिव डिसऑर्डर, ठीक है। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर का मतलब क्या है, जो ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, ठीक है, ट्रांजिएंट या परमानेंट। तो इसको अपन और किस नाम से जान सकते हैं, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। और अपन ने पढ़ा था इंडियन क्लासिफिकेशन के अंदर अपन ने देखा था कौन सा, ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर। तो इसको अपन ऑर्गेनिक साइकोसिस के नाम से भी जानते हैं।
तो ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम को अपन और किस किस नाम से जानेंगे, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर के नाम से जान सकते हैं, ऑर्गेनिक कॉग्निटिव डिसऑर्डर के नाम से जान सकते हैं, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के नाम से जानेंगे और ऑर्गेनिक साइकोसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये तो हुआ इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर या ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है इसका क्लासिफिकेशन, अगर अपन किसकी बात करें क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन तो ऑर्गेनिक जो ब्रेन सिंड्रोम या ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, आईसीडी टेन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक जो मेंटल डिसऑर्डर है उनको अपन किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, F00 से F09 के अंदर। किसको, जो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे, F00 से F09 के अंदर अपन इनको क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, अब अपन इसको कैसे याद करना है इसके अंदर, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, F00 और F01 इसके अंदर जो आएगा वो कौन सा है, डिमेंशिया। ठीक है, इसके अंदर जो अपन देखेंगे वो कौन सा होगा, डिमेंशिया, और जो F01 है इसके अंदर कौन सा होगा, वेस्कुलर डिमेंशिया। ठीक है, कौन सा होगा, वेस्कुलर डिमेंशिया। जो F00 है, F00 के अंदर किसकी स्टडी कर रहे हैं अपन, डिमेंशिया, और डिमेंशिया भी किसके अंदर, किसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर डिमेंशिया भी अल्जाइमर डिजीज के अंदर, अल्जाइमर डिजीज किसके अंदर, जो F00 है उसके अंदर अपन किसकी स्टडी करेंगे, डिमेंशिया की स्टडी करेंगे, और वो भी किसके अंदर, कौन सी डिजीज के अंदर, अल्जाइमर डिजीज के अंदर डिमेंशिया। ठीक है, और F01 के अंदर वेस्कुलर डिमेंशिया की अपन क्या करेंगे, वेस्कुलर डिमेंशिया आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है F04, F06 और F07। इसके बाद में आपको ये चार और याद, किसकी स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम की स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके अंदर कैटेगराइज करेंगे, F05 के अंदर डेलीरियम, डेलीरियम इसके अंदर अपन किसकी स्टडी करेंगे, F05 के अंदर डेलीरियम की, और F06 के अंदर अदर ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, अदर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, अदर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर की अपन क्या करेंगे स्टडी करेंगे, इसके अंदर बिहेवियर एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ठीक है, बिहेवियर एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, लेकिन ये दोनों किसकी वजह से होने चाहिए, ऑर्गेनिक ब्रेन मेंटल डिसऑर्डर है वो होना किसकी वजह से चाहिए, ड्यू टू ब्रेन डैमेज। ठीक है, ये भी किसकी वजह से होना चाहिए, यानी बिहेवियर और पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो आएंगे लेकिन किसकी वजह से होने चाहिए, ड्यू टू ब्रेन डैमेज।
किसकी वजह से होने चाहिए, ब्रेन डैमेज की वजह से होने चाहिए। तो आपको यानी जितने भी ये डिसऑर्डर्स अपन इसके अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है, किसके अंदर, जो ICD-10 की 10 जो क्लासिफिकेशन है F0 से F09 के अंदर, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो ब्रेन ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है इसके अंदर जितने भी डिसऑर्डर्स आएंगे वो सारे किसकी वजह से होने चाहिए, ड्यू टू ब्रेन डैमेज की वजह से। यानी जितने भी डिसऑर्डर होंगे वो सारे किसकी वजह से होने चाहिए, ब्रेन डैमेज की वजह से। क्योंकि क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स है, ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर वो कैसे होते हैं, डेमोस्ट्रेबल होते हैं। तो यानी ब्रेन डैमेज को अपन क्या कर सकते हैं, डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, तो ब्रेन डैमेज की वजह से होने चाहिए, ठीक है, वही आएंगे इसके अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर। तो F00 के अंदर अपन किसकी स्टडी करेंगे, डिमेंशिया इन अल्जाइमर डिजीज़, यानी अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर क्या होना चाहिए, क्या हो, डिमेंशिया की कंडीशन, ठीक है। F01 के अंदर वेस्कुलर डिमेंशिया, ठीक है, वेस्कुलर डिमेंशिया की स्टडी करेंगे। F04 के अंदर ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम की स्टडी करेंगे। F05 के अंदर डेलीरियम, ठीक है, और F06 के अंदर अदर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, अदर ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स आएंगे। लेकिन जितने भी मेंटल जो भी होंगे वो केस किस वजह से होने चाहिए, ड्यू टू ब्रेन डैमेज, ब्रेन डैमेज की वजह से जो होंगे उनको किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ऑर्गेनिक ब्रेन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। इसके अलावा F07 के अंदर बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होंगे, लेकिन किसकी वजह से, ड्यू टू ब्रेन डैमेज की वजह से, किसकी वजह से होने चाहिए, ब्रेन डैमेज की वजह से। तो ये पूरा था किसका, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, ठीक है, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम। इसके अंदर जो ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम या ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है इसके अंदर कितने जो मेजर जो डिसऑर्डर होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है डिमेंशिया, जो मेजर डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं मेजर डिसऑर्डर, जो इसके अंदर जो मेजर डिसऑर्डर्स हैं जिनकी अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, वो कौन कौन से हैं, एक तो है डिमेंशिया, डिमेंशिया, और सेकंड है डेलीरियम, किसके, डेलीरियम और डेलीरियम, यानी F00 और F05। इन ये दो क्या होते हैं, मेजर डिसऑर्डर्स होते हैं, कौन कौन से, जिनकी अपन क्या करते हैं मेनली स्टडी करते हैं, किसके अंदर, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम या ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। जो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है वो मेजर डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर के अंदर मेजर जो डिसऑर्डर होंगे वो दो हैं, कौन कौन से, डिमेंशिया और डेलीरियम, ठीक है, इनकी अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जिसके अंदर अपन फर्स्ट जो स्टडी करेंगे वो डेलीरियम और उसके बाद में डिमेंशिया, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा अपना उसके अंदर जो अपन स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, जिसके अंदर किसके बारे में बात करेंगे, डेलीरियम के बारे में बात करेंगे। ये था ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर टॉपिक, थैंक यू।